नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। दोस्तों हमने हरियाणा पुलिस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है और आज हम आपके लिए हरियाणा जीके की क्लास नंबर 4 लेकर आए हैं। दोस्तों इसके अंदर हम 30 क्वेश्चन रखे हैं, मोस्ट यूवाई क्वेश्चन रखे हैं और बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप हर रोज अपना मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, हर रोज अपने एग्जाम के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, मोस्ट यूवाई क्वेश्चन है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब हुई? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, मई 1997 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मेवात का नाम बदलकर नूह कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। मेवात का नाम बदलकर नूह कब किया गया था? मोस्ट यूवाई क्वेश्चन है। कब किया गया था? 12 अप्रैल 2016 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा की ग्रामीण मृत्यु दर क्या है? हरियाणा में ग्रामीण मृत्यु दर क्या है? 6.7% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, धर्म के आधार पर हरियाणा में हिंदू जनसंख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, धर्म के आधार पर हरियाणा में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? मोस्ट यूवाई क्वेश्चन है। हरियाणा एवं ग्रामीण उच्च न्यायालय में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ भंडारी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल 1991 से 30 जुलाई 1991 तक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, सन 1957 में सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? सन 1957 में सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, श्री बाबा ताराजी की कुटिया हरियाणा के किस जिले में स्थित है? श्री बाबा ताराजी की कुटिया, जी हाँ दोस्तों, श्री बाबा ताराजी की कुटिया हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट यूवाई क्वेश्चन है, बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? हिसार जिले के कुंवारी गांव में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मदीना का उत्खनन किसने किया? मदीना का उत्खनन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन कुमार ने। किसने? डॉक्टर मनमोहन कुमार ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो के नीचे चलकर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा लाल अक्षरों में, उसके ऊपर आप क्लिक कर लें और उसके बाद दोस्तों एक राइट साइड में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ऐतिहासिक स्थल बनावली का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? ऐतिहासिक स्थल बनावली का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? याद रखना, तो ये बनावली है, ये फतेहाबाद में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1983-84 में। नेक्स्ट देख लीजिए, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है? राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ है?
ग्रोंडा में, ग्रोंडा का करनाल में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दिल्ली फिरोजपुर कौन सा राजमार्ग है, जल्दी से आंसर दीजिए, दिल्ली फिरोजपुर कौन सा राजमार्ग है, मोशी वे क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली फिरोजपुर NH10 राजमार्ग पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिल्ली फिरोजपुर कौन सा राजमार्ग है, NH10 है। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है, कहाँ है, अंबाला में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्राह्मण समाचार का प्रकाशन कहाँ से किया, ब्राह्मण समाचार का प्रकाशन कहाँ से किया, कहाँ से किया दोस्तों, जगाधरी से किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किसी मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया, किसी मुगल शासक के समय, सॉरी किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया, औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है, जब जनरल वान कोर्टलैंड सेना से हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया, जब जनरल वान कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया, किसने किया, नूर मोहम्मद खान ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है, जी हाँ दोस्तों, शीत ऋतु में वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बंधेज पद्धति की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ने को क्या कहते हैं, बंधेज पद्धति की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ने को क्या कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, लहरिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है, पांडु मेला कहाँ लगता है, जी हाँ दोस्तों, पांडु मेला कहाँ लगता है, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है, पपहाना असंध में लगता है, पपहाना कहाँ है, असंध में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कानूवा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कानूवा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, कानूवा का मेला गढ़ोता में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बाबा नरसन दास के मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है, बाबा नरसन दास के मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन के महीने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन कहाँ हुई थी, 1982 में हुई थी और रेवाड़ी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तैराकी खिलाड़ी शिवानी कटारिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तैराकी खिलाड़ी शिवानी कटारिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, किस जिले से है, गुड़गांव जिले से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है, वीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है, वीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है, 50 लाख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बताइए, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर है, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर है, 9258 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना है, 9258 वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देख लीजिए, मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर आक्रमण कब किया गया, कब किया था, मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर आक्रमण कब किया था, 1194 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ, हरियाणा का
पंजाब में विलय कब हुआ, मोस्ट वे क्वेश्चन है, कब हुआ था 1858 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों अगर आप हर रोज ऐसे ही अपना ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ अगर जुड़े नहीं हैं तो कृपया करके जुड़ जाइए। वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर लें और उसके बाद दोस्तों राइट साइड में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।